जवान, जिसको इस साल की मूवी ऑफ द ईयर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग जा रही है ना, फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ तो कहीं नहीं गए। वैसे आपको क्या लगता है इस मूवी को बनने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि अभी जनवरी में ही तो पठान आई थी और 7-8 महीने बाद फिर से? कहीं SRK भी अपने राजू से इंस्पायर तो नहीं हो गए? जी नहीं, इस मूवी को बनाने के लिए लगभग 3 साल का टाइम लगा है। इस मूवी की राइटिंग 2020 एंड में लॉक कर दी गई थी और 2021 में इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं जवान के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। सो वेल, हेलो गाइज, मेरा नाम है अंकुर और सब्सक्राइब कर लीजिए द ट्रूली अनटोल्ड को आने वाले जबरदस्त वीडियोस के लिए। नंबर 1, आफ्टर पठान जवान बुक माई शो पर हाईएस्ट इंटरेस्ट वाली बॉलीवुड मूवी बन गई है। जहां पठान के रिलीज होने तक इसका इंटरेस्ट रेट 7,25,000 था, वहीं इसका इंटरेस्ट रेट जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6,60,000 हो चुका है। पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये पठान को भी क्रॉस कर चुका होगा। नंबर 2, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। मुंबई का एक फेमस थिएटर है जिसका नाम गेटी गैलेक्सी है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि थर्सडे को जो उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो है वो सुबह 6 बजे का लगा है और जो कि हाउसफुल भी हो चुका है। कैन यू इमेजिन द क्रेज ऑफ दिस फिल्म? एंड इवन दिल्ली NCR में भी आपको 6:15 और 6:40 के मॉर्निंग शोज देखने को मिल रहे हैं। नंबर 3, जवान का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ये शाहरुख खान की करियर की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होगी। इसके पहले की जो उनकी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी वो पठान थी, जिसका बजट 250 करोड़ था। नंबर 4, इस गाने में जो शाहरुख ने डांस किया है वो ऑन द स्पॉट उन्होंने खुद ही कोरियोग्राफ किया है। और वैसे इस गंजे लुक को देखकर याद आया, शाहरुख को बड़े पर्दे पर हम इस बाल्ड लुक में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही देख रहे हैं। क्यों? अरे भाई, शाहरुख ने खुद ही बोला है यार, अब इसमें क्या फैक्ट दूं मैं, वीडियो ही देख लो। And I'm there bald also. So that's something I'm never ever going to be in my life. नंबर 5, जवान बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसका मेजॉरिटी क्रू साउथ से है, फिर चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो। नंबर 6, अगर जवान फर्स्ट डे 100+ करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग देती है, और जो कि श्योर शॉट पॉसिबल लग भी रहा है, तो इसके बाद शाहरुख 200 करोड़ की बैक टू बैक ओपनिंग देने वाले पहले एक्टर बन जाएंगे। तो गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ कि जवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा, और क्या आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए रेडी हैं? रेडी। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय श्री राम।